हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनोज चौधरी, आप देख रहे हैं चौधरी एसोसिएट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इसमें बात करेंगे फिनो पेमेंट बैंक के बारे में। तो आप सभी लोगों को पता है कि फिनो पेमेंट बैंक कुछ दिनों से यहां पर चार्ज लगाया जा रहा है सेटलमेंट का। आपको पता है यदि आप 25,000 तक करें तो आपको 5 रूपये चार्ज लग रहा है, यदि आप 25,000 से एक्स्ट्रा करें तो आपको यहाँ पर 10 रूपये चार्ज लग रहा है। तो यहाँ पर आपको सटीक सही जानकारी देना होगी कि ये चार्ज लगाया जा रहा है और किस लिए लगाया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 जुलाई 2020 से फिनो पेमेंट बैंक ने कुछ अपने पोर्टल में बदलाव किया है, जैसे कि मर्चेंट डिस्ट्रीब्यूटर और बीपीसीएल पॉइंट पर ये जो है यहाँ पर चार्ज लगाया जा रहा है। यदि आप 1 रूपये से 25,000 तक का मूव टू बैंक करते हैं सेटलमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर 5 रूपये करना है। यदि आप 25,000 से 2 लाख तक के बीच में करते हैं तो आपको 10 रूपये करना है चार्ज। हालांकि इसके पहले जितनी भी सारी कंपनियां वो पहले से ही चार्ज ले रही है। कई लोग का रूल है 1 रूपये से लेकर आप 2 लाख के लिए 10 रूपये लिया जाता है। कई लोग क्या है 1 से 25,000 तक का 5 रूपये और 25,000 से तक 1 लाख या 2 लाख तक का 10 रूपये है। तो सबका अलग अलग सिस्टम, बट पहले से वो सब ले रही है। तो यहाँ पर फिनो पेमेंट बैंक लेना स्टार्ट कर दिया है 1 जुलाई 2020 से सभी से चार्ज लिया जाएगा। तो कई बीसी ऐसे जो कि कंफ्यूज है और परेशान है कि ये चार्ज मेरे से लिया जा रहा है या सभी से लिया जाए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये चार्ज है सभी से लिया, जितने भी मर्चेंट है फिनो बैंक सभी से लिया जा रहा है। फिनो बैंक के जितने मर्चेंट है डिस्ट्रीब्यूटर या बीपीसीएल के पॉइंट वाले हैं सभी से लिया जा रहा है। तो ये चार्ज कुछ प्रकार है, तो आपको मैं दिखाने वाला हूँ किस तरह लिया जा रहा है। तो आप लोग इसी से कन्फ्यूज ना रहे और ना ही भयभीत रहे, क्योंकि चार्ज के सभी से लिया जा रहा है चार्ज, क्योंकि आईएमपीएस चार्ज है। फिनो बैंक पहले से नहीं ले रहा था, अभी लेना चालू कर दिया, तभी इसकी सर्विस बेस्ट है, क्योंकि इसका जो सेटलमेंट सर्विस है वो है 24 आवर्स, आप कभी कर सकते हैं आईएमपीएस। और अदर पोर्टल में क्या होता है, सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक या 12 बजे तक, कई लोग कई 5 बजे तक का सेटलमेंट होता है और सब बंद होता है, और संडे को भी बंद होता है कई कंपनी का। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका 24 यानी कि संडे भी कोई चालू होता है और कोई भी गजेटिव या कोई भी हॉलीडे होता है गवर्नमेंट की, तो उस दिन भी यहाँ पर सेटलमेंट कर सकते हैं, बट अदर कंपनी में नहीं कर सकते। कभी कभी क्या होता है सर्वर इश्यू कारण से यहाँ पर एनएफटी चला जाता है एनएफटी, बाकी कंपनी में क्या होता है वो तो परमानेंटली बंद कर देते हैं आपकी मोबाइल बैंक की सर्विस को। तो यहाँ पर जो भी आप फिनो बैंक के मर्चेंट अकाउंट से या मर्चेंट आईडी से आप सेटलमेंट अदर अकाउंट में लेते हैं तो उसका यहाँ पर चार्ज लिया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं कुछ छोटा सा जानकारी आपको देने वाला था, तो चलिए मैं आपको जैसा सिस्टम पे और सिस्टम पे आपको दिखाता हूँ किस तरह यहाँ पर आपसे और यहाँ पर किस तरह दर्शाएगा। चलिए मैं सिस्टम लेकर दिखा देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग देख पा रहे हैं, हमने इस चार्ट को ओपन कर लिया है और इस चार्ट में आपको बताने वाले किस तरह आपको कितना चार्ज लगाया जाएगा और कब से ये लागू है। यदि आप इस चार्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल एप्लीकेशन या वेब पोर्टल से जाकर, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिखाया जा रहा है इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, यहाँ पर है आपको फिनो टू बीसी फंड ट्रांसफर सेल बी चार्जेबल इफेक्टिव 1 जुलाई 2020। ये जो आपको इफेक्ट पड़ रहा है ये पड़ रहा है 1 जुलाई से, जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप जो भी अपने बीसी पूल मर्चेंट अकाउंट से फंड ट्रांसफर अपने बेनिफिशियरी अदर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, अब उस पर हम आपसे चार्ज लेंगे। तो इन्होंने यहाँ पर बताया ये जो चार्ज है आपका ये पर ट्रांजेक्शन आपका रहेगा, मतलब जितनी बार आप करते हैं, ऐसा नहीं कि दिन में एक ही बार रहेगा। और जो यहाँ पर अमाउंट दिखाया जा रहा है वो है 1 रुपये से 25,000 तक का 5 रुपये जो कि जीएसटी इंक्लूड है, और 25,000 1 रुपये से लेकर अब 2 लाख तक करते हैं तो 10 रुपये वो भी जीएसटी इंक्लूड है। यहाँ पर इन्होंने बताया कि साफ साफ क्लियरली ये जब ट्रांजेक्शन ये डेली होगा, क्योंकि आप ये नहीं है कि दिन में एक बार कर दिए तो आपसे 5 रुपये लेकर दोबारा नहीं, आपको पर ट्रांजेक्शन और डेली लिया जाएगा चार्ज ये, और ये हमेशा के लिए सबके लिए अप्लीकेबल हो चुका है। और ये जो अप्लीकेबल होगा किन किन लोगों के लिए अप्लीकेबल ये भी बताया गया यहाँ पर, ये जितने भी मर्चेंट है डिस्ट्रीब्यूटर है और जितने भी बीपीसीएल के आरओएस हैं इनके लिए भी ये लागू हो चुका है। तो ये सब चीज़ें सभी के लिए लागू हो चुकी है। तो यही कुछ छोटा सा आपको जानकारी देना था। यदि जानकारी आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, अपने काफ़ी से काफ़ी दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी जानकारी लग सकी कि फिनो पेमेंट में ये नया बदलाव आया है। और दोस्तों यहाँ पर आप फिनो पेमेंट का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी या मर्चेंट आईडी या फिनो पेमेंट किसी प्रकार की डिवाइस कोई प्रोडक्ट या कोई सामान आप मुझसे लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट करके वो सामान ले सकते हैं, आपको सही तरीके से और अच्छे रेट में यहाँ पर मिल जाएगा। मैं दोस्तों यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा यदि आप फिनो पेमेंट का कोई प्रोडक्ट या डिवाइस या फिनो पेमेंट की आईडी या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी मुझसे लेना चाहे तभी कॉल करें, जानकारी के लिए कॉल ना करें, क्योंकि आप जानकारी लेने के लिए काफ़ी परेशान करते हैं। तो मैंने यहाँ पर हर तरह का वीडियो बना रखा है जिसके लिए आपको जानकारी मिल जाएगी कौन सी डिवाइस कितने प्राइस का है, कहाँ पर काम करेगा, कहीं करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पर हर तरह की हमने जानकारी वहाँ पर शेयर कर रखी हुई है, कितने प्रकार की यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है और कितना आपको मर्चेंट आईडी मिलेगा, हर तरह की जानकारी यहाँ पर हमने दे रखी हुई। तो आप जानकारी के लिए कॉल ना करें, जानकारी लेना चाहते तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके वहाँ पर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।